रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए 50 नए रूट तैयार किए हैं और पहली प्राइवेट ट्रेन चलाने का जिम्मा रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC को दिया गया है और पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस, जिसमें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं जैसे ट्रेन की देरी पर मुआवजा और यात्री बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन बावजूद इन सब के इस प्राइवेट ट्रेन का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले कोई और नहीं, लोको पायलट हैं। आज उन्होंने यूपी के गाजियाबाद में तेजस एक्सप्रेस के पहले ही दिन उसे रोक दिया। उनका कहना है कि रेलवे के निजीकरण के परिणाम गंभीर होंगे। देश भर में ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में काले दिवस के रूप में मनाया है। उनका कहना है कि सरकार रेल चलाने में फेल हो गई है, इसलिए अब वो इसे निजी हाथों में सौंप रही है और प्राइवेट खिलाड़ियों को देश की बागडोर सौंप देना चाहती है, जिससे आखिर में आम जनता का ही नुकसान होगा। विरोध कर रहे कर्मचारियों को ये भी आशंका है कि यह भारतीय रेलवे के निजीकरण की शुरुआत है। भविष्य में रेल कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर पूरी रेल को प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा। उनके अनुसार ये आम और गरीब यात्रियों को रेल यात्रा से पूर्ण रूप से वंचित करने की शुरुआत भर है, क्योंकि इसका न्यूनतम किराया लखनऊ से दिल्ली के मध्य हवाई जहाज़ के किराए के बराबर है और दूसरी सरकारी रेलवे ट्रेन का लखनऊ से दिल्ली के मध्य किराया इनके किराए से लगभग आधा है। कर्मचारियों ने एक ब्लॉग लिखकर अपनी बात सरकार के सामने रखी है। उनके अनुसार सरकारी ट्रेन पूरी तरह से फुल होने के बावजूद लगभग 300 से ज़्यादा वेटिंग होने और जनरल डिब्बों में जानवरों जैसे यात्रियों को भरने के बाद भी लाभ नहीं कमा पा रही, तो साधारण सा हिसाब है कि प्राइवेट कंपनियां इसमें ज़बरदस्त किराया बढ़ाकर ही फायदा ले पाएंगी। इस ट्रेन में लगभग दोगुना किराया वसूलने के बाद यात्रियों के लिए घोषणा की गई है कि ट्रेन एक घंटे लेट होने पर 100 रुपये और 2 घंटे से अधिक लेट होने पर 250 रुपये उन्हें यात्रियों को दिए जाएंगे, लेकिन किस प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं रेल यात्रियों को दुर्घटना बीमा लाखों रुपये दिया जाएगा, जो कि पहले ही किराए में वसूल लिया गया है। रेलवे का प्राइवेटकरण करने के पीछे बड़ी वजह रेलवे की लेट लतीफ़ी को बताया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि भारतीय रेल में मात्र 10% काम चोर कर्मचारियों की सजा 90% ईमानदार रेल कर्मचारियों को देना नाइंसाफी है। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन एवं तंत्र है जो काम चोर कर्मचारियों पर लगाम लगा सकते हैं। धन्यवाद।